स्वागत है आपका ड्राइव स्पार्क में, मैं हूं प्रमीत। और ये जो आप गाड़ी देख रहे हो मेरे सामने, दिस इज द ऑल न्यू टाटा पंच ICNG। गाड़ी नई नहीं है, लेकिन आपको अब इस गाड़ी के साथ CNG भी मिलता है, तो उसके बारे में बाद में थोड़ा सा बात करेंगे। पीछे जाके आपको दिखाऊंगा अभी कि इसमें ट्विन CNG टैंक दिया गया। जी, दिस इज इंडिया फर्स्ट ट्विन CNG टैंक कार। तो चालू करते हैं फ्रंट एंड से। यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ DRL मिल जाएंगे, इंडिकेटर मिल जाएगा, नीचे की तरफ फॉग लैंप मिलेगा और हेडलाइट का यूनिट आप देख सकते हो यहाँ पे है। ऑब्वियसली सामने का ग्रिल प्यानो ब्लैक में फिनिश है। सेकेंडरी ग्रिल में आपको ऐसे एलिमेंट्स मिल जाते हैं। आगे की तरफ का बम्पर जो है वो ब्लैक्ड आउट है। एक बार मैं जूम आउट करता हूँ ताकि आप देख सकें अच्छे से। तो ऐसा दिखता है कुछ। साइड प्रोफाइल में आएंगे तो चेंजेस कुछ नहीं किए गए एक्सेप्ट द CNG। आपको यहाँ पे बॉडी क्लैडिंग मिल जाएगी, व्हील्स मिलेंगे अलॉय व्हील्स और ब्लैक्ड आउट ORVM रूफ मिलेगा ब्लैक्ड आउट। और यहाँ पे आपको एक सनरूफ भी मिलता है। ऊपर से आपको इस जगह पे रूफ रेल्स मिल जाएंगे। साइड में कोई भी क्रोम मौजूद नहीं है, ब्लैक्ड आउट फिनिश है पूरा। कीलेस एंट्री, अगेन ब्लैक क्लैडिंग जो है ऑल द वे एक्सटेंड कर रही है यहाँ तक, एंड एक्सटेंड करते हुए यहाँ तक जा रही है। सो दिस इज द टेल लाइट। यहाँ पे आपको टाटा की बैजिंग मिल जाती है। दिस इज द टेल लाइट, रैप अराउंड टेल लाइट मिल जाती है आपको। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है इंडिया फर्स्ट ट्विन सिलेंडर CNG टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आपको ये देखिए, यहाँ पे दो टैंक्स मिल जाएंगी। एंड इसकी कैपेसिटी जो है, एंड इस टैंक की जो कैपेसिटी है दैट इज 60 लीटर ऑफ वाटर, उस हिसाब से लोग मेजर करते हैं। भाई कुछ चेंजेस नहीं किया गया है, तो इसमें आपको 37 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाएगा, दैट इज द पेट्रोल टैंक। एंड उसके अलावा इसमें आपको जो है मिलेगा 60 लीटर वाटर कैपेसिटी, जो CNG को मेजर करने का तरीका है। उसके अलावा इंजन जो है आपको वही 1.2 रेवट्रॉन इंजन मिलेगा, जो कि एक NA है। एंड इंटीरियर्स मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से। एंड इंजन के बारे में बोल दूँ, जो गियर बॉक्स है गाड़ी का, दैट्स अ 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स। अंदर में आपको एक मिनट में लेके जाऊंगा, अंदर भी ज्यादा चेंजेस नहीं करी गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज द डोर, ये आपके कंट्रोल से ORVM और मिरर के रेड एक्सेंट मिलते हैं, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलती है। और यहाँ पे आपको थोड़ा जूम करके दिखाना पड़ेगा मेरे को, ये आपको सीट्स पे अपहोल्स्ट्री ऐसी मिल जाएगी, रेड कलर की जो है कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग भी मिलती है चारों तरफ, जो कि गाड़ी को और ज़्यादा स्पोर्टी लुक देती है। डैशबोर्ड पे कुछ ऐसा फिनिश मिल जाएगा आपको। और ये है आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम और हमान का आपके पास साउंड सिस्टम भी है। AC के चारों तरफ आप देख सकते हो कि ये दिया गया है। यहाँ पे सनरूफ है, सनरूफ एक्चुअली नया है। एंड ये गाड़ी अभी भी लॉन्च तो नहीं हुई है, अनवील हुआ है। आपको यहाँ पे भी कुछ सारे बटन्स मिल जाएंगे, जैसे इंजन स्टार्ट स्टॉप CNG का बटन मिलेगा। और यहाँ पे फॉग लाइट है, एंड दिस इज टू लॉक एंड अनलॉक द कार। अब रियर सेक्शन में एक बार चलता हूँ। एंड रियर सेक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हो रियर सेक्शन में कि आपको एक सेंटर आर्मरेस्ट भी मिलता है। और स्पेस जो है थोड़ी सी, मेरे को लग रहा है अभी भी सीट जो है पूरा पीछे की तरफ खींचा गया है, तो थोड़ा सा नी रूम में मुझे लग रहा है दिक्कत होने वाली, लेकिन हेडरूम में कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे स्कूप देख सकते हैं, तो आराम से लंबे लोग बैठ सकते हैं। दो आपके पास मैनुअल हेडरेस्ट, ऑब्वियसली हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, एंड आगे की तरफ भी हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल है। सो ये थी दोस्तों दी ऑल न्यू टाटा पंच ICNG। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और ये गाड़ी हम लोग को जल्दी रोड पे देखने को मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं प्रवीण सानू करता हूँ, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बी सेफ एंड ड्राइव सेफ।